आपको बता दें लखनऊ में बुलडोजर एक्शन और तेज हो गया है। अकबर नगर के बाद अब अबरार नगर में आपको बताएं किस तरह से कुकरेल नदी के किनारे 500 घर तोड़े जाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, एलडीए इन घरों को तोड़ने की तैयारी कर रही है जिनमें दो मस्जिद और एक मदरसा भी शामिल है। इससे पहले आपको बता दें अकबर नगर में जो तोड़क कार्रवाई की गई थी उस पर खूब जमकर सियासत हुई उत्तर प्रदेश में, और वहां पर भी जब ये तोड़क कार्रवाई की गई तो किस तरह से मदरसा से लेकर मस्जिद और मंदिर ये सब कुछ इसकी जद में आए, इन सभी को जमींदोज कर दिया गया। और अवैध निर्माण के खिलाफ योगी सरकार का ये बड़ा एक्शन है, तो पहले अकबर नगर और अब अबरार नगर किस तरह से आप देखिए यहां पर भी तोड़क कार्रवाई की जाएगी और लखनऊ में 500 मकानों को तोड़ा जाएगा। बड़ी जानकारी, दो तस्वीरें भी आपके सामने इस वक्त है। अकबर नगर की वो तस्वीर देखिए जब एक्शन किया गया और एक्शन के बाद इस पूरे इलाके से जो अवैध निर्माण था उसको खत्म किया गया, तमाम दुकानें मकानें सबको जमींदोज कर दी गई। और अब बारी है अबरार नगर की। अकबर नगर के बाद अब एलडीए अबरार नगर तोड़ने की तैयारी कर रहा है। दो दिन पहले अबरार नगर में एलडीए आके सर्वे किया है और कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए ये तमाम जो मकान हैं इसको तोड़ने की बात कर रहा है। 500 ऐसे घर जो हैं वो कुकरेल नदी के जद में हैं और इन्हें तोड़ने की बात कही जा रही है। एलडीए का ये भी कहना है कि हमने यहाँ पे लोगों को नोटिस भी दे दिया है कि वो घर खाली कर दे। हालांकि अभी तक यहाँ के लोगों को नोटिस नहीं मिला हुआ है। तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोगों को नोटिस मिला है? नहीं, नोटिस नहीं मिला है। एलडीए कह रहा है कि नोटिस दे दिया गया है कि आप लोग घर खाली हम लोग की तरफ आए भी नहीं है, कुछ हुआ भी नहीं, आए भी नहीं है, हम लोग को पता भी नहीं, बस यही चर्चा है कि तोड़ देंगे। हाँ, मगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब ये बात कही जा रही है कि इसको इस पूरे इलाके में 500 ऐसे घर हैं जिसको तोड़ दिया जाएगा, क्या कहेंगे? हम क्या बताएं भैया, कैसे तोड़ देंगे? जो है जब हमने जमीन खरीदी तो वो जिसने खरीदी उसको इसको पकड़ना चाहिए। हम लोग की क्या गलती है? अगर गलती थी तो जब हम लोग खरीदने जा रहे थे, रजिस्ट्री कराने जा रहे थे, तो वो लोग को रोक लगा देना चाहिए था। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो एलडीए यहाँ पे इसको तोड़ के जो कुकरेल नदी है इसको रिवर फ्रंट बनाने की बात कर रहा है, जैसे कि अकबर नगर में तोड़ दिया गया था मकानों को, क्या करेंगे, क्या कहेंगे? अकबर नगर तो बीच नाले में था, बीच दोनों बांध के बीच में था, ये तो हम लोग साइड में है। 2002 से आप लोग यहाँ पे बसे हुए आप आए हैं रहने के लिए? नहीं, रहने तो पहले रह रहे थे, लेकिन हाउस टैक्स जो बना है वो 2002 से बना है। जो सब कुछ लीगलाइज हुआ है, जो सब कुछ लीगल किया गया वो 2002 से लीगल। और अब लीगल करने के बाद अब इसको तोड़ने की बात की जा रही है, तो फिर कितनी समस्या आएगी भाई? क्या चाहते हैं, किसी से कुछ बात करेंगे, कोर्ट जाएंगे? अब हम कहाँ जाएंगे अकेले? अब सब लोग अगर कहीं जाएंगे तो जाना भी पड़ेगा। तो लोगों की कहानी उन्हीं की जुबानी आपने सुना। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी का, और आप देखिए किस तरह से लगातार बता रहे थे कि आखिर वहां पर क्या कुछ हो रहा है। तुषार, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने तमाम लोगों से बातचीत की, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई नोटिस नहीं दिया गया है लेकिन ये कार्रवाई होगी, तो ऐसे में अब कैसे देखा जाए, क्या ये लोग अपना घर छोड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल, देखिए इन लोग का पहले जो अबरार नगर है वहाँ पे सर्वे एलडीए कर चुका है, क्योंकि जो अबरार नगर है वो पूरा कुकरेल नदी के किनारे किनारे बसा हुआ है और अकबर नगर भी इसी तरह से किनारे बसा हुआ था। तो जो योगी सरकार की योजना है कि कुकरेल नदी को पुनर्जीवित किया जाए और वहाँ पे रिवर फ्रंट बनाया जाए, तो ऐसे में ये भी जद में आ रहा है अबरार नगर भी, तो ऐसे में यहाँ पर जो सर्वे है वो एलडीए कर चुका है। अब एलडीए कह रहा है कि हमने यहाँ पे नोटिस दे दिया है इन लोगों को खाली करने के लिए, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, इनका ये साफ तौर पे कहना है कि उन्हें अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि एलडीए अभी इसको लेकर क्या कार्रवाई करता है। हाँ, ये जरूर है कि स्थानीय लोग अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा। लेकिन तुषार, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार जो है वो कोर्ट गई, कोर्ट के आदेश के बाद पहले अकबर नगर में ये तोड़क कार्रवाई की गई, अब अबरार नगर की बारी है, तो कोर्ट के आदेश को तो माना जाएगा। प्रशासन कह रहा है हमने नोटिस दिया है, जनता कह रही है नोटिस नहीं मिला है, तो ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आगे परेशानी जरूर होगी। बिल्कुल, देखिए जो कोर्ट का आदेश था वो कोर्ट का आदेश अकबर नगर को लेकर था, अबरार नगर को लेकर नहीं है, दोनों अलग अलग कॉलोनियां। तो अब अगर अबरार नगर के लोग कोर्ट जाते हैं तब ये देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का क्या फैसला आता है। अगर कोर्ट फैसला देता अकबर नगर की तरह तो इन लोगों को भी परेशानियों का अच्छा खासा सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग काफ़ी लंबे समय से बसे हुए हैं, 35-40 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर उनके पक्के मकान है, रजिस्ट्री उन्होंने कराई है, यहाँ पे उनका रोजगार है, इसके अलावा यहाँ पे कामकाज भी करते हैं, बच्चे जो हैं वो मदरसों
में पढ़ते हैं, दो मस्जिद और एक मदरसा भी इसके जद में आ रहा है। तो ये देखना होगा कि इसमें कोर्ट का क्या रुख होता है। अगर अबरार नगर के लोग कोर्ट जाते हैं तो उसमें कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन उससे पहले LDA अपनी तैयारी पूरी कर चुका है अबरार नगर को तोड़ने के लिए। LDA वहां पर नोटिस भी दे चुका है, हालांकि ये लोग अभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन LDA का सीधे तौर पर कहना है कि हमने यहाँ पर इन लोगों को नोटिस दे दिया है कि आप लोग अपना अपना घर खाली करें। और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना भी दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जैसे अकबर नगर के लोग शिफ्ट हुए हैं उसी तरह से आप लोग भी प्रधानमंत्री आवास योजना में शिफ्ट हो जाए। जल्द ही कैंप लगाएगा अबरार नगर में भी LDA और लोगों को शिफ्टिंग का कार्य शुरू करेगा कि यहाँ पर इन लोगों को शिफ्ट करना शुरू किया जाए। आप नजर बनाए रखिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।